तो अभी अपन लोग इटली में लास्ट दिन है अपना आज। काफ़ी सारे मैं इंडियन स्टूडेंट्स को भी देख रहा हूँ इधर। यहाँ पर जॉब्स की थोड़ी कमी है, काफ़ी सारे इंडियंस रोड पे, तो उसके हिसाब से मेरे को थोड़े कंडीशंस यहाँ के ख़राब दिखे। After saying goodbye to Dubai, we had to catch an early morning flight to Roma in Italy. We got the Royal Jordanian flight for only $200. The plane was old, infotainment system did not work, there were no charging ports, and the armrest even came off. These were old planes, that's why the legroom was fantastic, and the food was pretty amazing too, and the service was overall good. There was no in-flight menu or in-flight Wi-Fi, but we were given these cardboard cutout phone holders so that we can use our phones. Then we finally landed in Roma. तो फिर हम लोग यहाँ से बस पकड़े सीधा रोमा सिटी सेंटर की, और फिर वहाँ से हम लोग पकड़े एक टैक्सी जो हमको हमारे होटल पे छोड़ दी। ओके भाई, तो हम लोग यहाँ पर फाइनली इटली पहुँच गए। मेरी आवाज़ थोड़ी तभी भी दिख रही है आपको, क्योंकि इतनी भी सर्दी है, सर्दी में ट्रैवल कर करके, और जब से कोल्ड एंड फ्लू आ गया था तो भाई साहब बोले थे ये रेडी बैठता हूँ मैं, बोल के लेकिन नहीं बैठे हैं ना अभी तक, तो 20 मिनट में आ रहे कहते हैं, मैसेज करा मैं, तो चेक इन करेंगे, तो प्रॉपर्टी बताएंगे। अभी इटली में डे वन है, आज शाम के करीब 5:30 बज रहे हैं अभी, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते सब दिख रहा, क्योंकि उन्हें तो रात हो गई और थक गए बहुत। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल गए यहाँ पर सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। तो सीधे बस पकड़े और सिटी एक्सप्लोर करने आ गए। यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह थे, और हम लोग वॉक किए, बारिश चालू हो गई, एंड देन वी हैड टू बाई सम अम्ब्रेलास। ये पैंथियन चर्च में पहुंचने के लिए बहुत लंबी लाइन थी, तो हम लोग उसको सिर्फ बाहर से देख के निकल गए, क्योंकि हमारा एक ही दिन था रोम में। सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि यहाँ पर भी ऐसा रोड पे कचरा रहता, और ये जो रोड थी बहुत स्लिपरी थी, मैं गिरते गिरते बचा कई बार, क्योंकि मेरे जो शूज़ थे वो एंटी स्लिपरी शूज़ नहीं थे, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और रोड बहुत चिकनी हो गई थी इधर। तो फाइनली हम लोग चलते चलते ट्रेवी फाउंटेन पहुंच गए, और यहाँ पर पहुंचने के बाद हम लोगों को एक कॉफ़ी पीनी थी, तो रोम की स्पेशल एस्प्रेसो, दिस वाज अबाउट 3 यूरो ईच, बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी होती है। कॉफ़ी पी के फिर हम लोग वापस फिर से आ गए, थोड़ा और टाइम स्पेंड किए इधर। तो यहाँ से हम लोग फिर सीधे टैक्सी पकड़ के चले गए कोलोजियम। कोलोजियम में इत्तेफाक से ये चीज़ हुई कि वहाँ पर मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं किया, पता नहीं क्यों क्या हुआ था, लेकिन मेरे पास सिर्फ फ़ोटोज़ है, तो आप फ़ोटोज़ देख लो। तो कोलोजियम बड़ा अंडरवेलमिंग लगा मेरे को, ज़्यादा कुछ था नहीं उधर, और अंदर जाने की एक और टिकट थी तो मैं टिकट नहीं लिया, लेकिन बाहर से देख लिया और अच्छा था, हिस्ट्री की वजह से अच्छा है ये चीज़। तो अभी अपन लोग इटली में लास्ट दिन है अपना आज। आज प्रिपरेशन कर ली है, अभी पैकिंग कर ली है। काफ़ी सारे मैं इंडियन स्टूडेंट्स को भी देख रहा हूँ इधर। यहाँ पर जॉब्स की थोड़ी कमी है ऐसा लग रहा,
और स्ट्रीट पे वेंडर्स वगैरह भी इंडियन स्टूडेंट्स लग रहे हैं इधर, काफ़ी सारे इंडियंस रोड पे। इटली में क्या है, थोड़ा इकोनॉमी इनकी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी अपनी वेस्टर्न कंट्रीज़ की रहती, तो उसके हिसाब से मेरे को थोड़े कंडीशंस यहाँ के ख़राब दिखे। और गाड़ियाँ भी यहाँ पर बहुत भयंकर चलाते भाई लोग, मतलब इंडिया के जैसा रूल्स वूल्स तोड़ते हुए करते हुए भगाते टेढ़ा मड़ा, तो रिस्क ज़्यादा रहता। छोटे गाड़ियाँ चलते हैं अदरवाइज। अभी हमारे एक यूट्यूबर सब्सक्राइबर भाई साहब कॉन्टेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनके लिए मैं सॉरी बोला बिकॉज एक तो यार तबीयत ख़राब है मेरी, आप आवाज़ सुन सकते हो, दो दिन से बीमार हूँ मैं, और दूसरा फैमिली के साथ हूँ, तो मैं बोला ठीक है नहीं। महंगाई बहुत है यूरो में, यहाँ पर इनकम बहुत कम है, लोग ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते इधर, मेजर इशू इनकम का ही है। मैनेज करना इजी है, लेकिन यहाँ पर खर्चे पूरे डॉलर से ज़्यादा है और इनकम डॉलर से कम है, मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में जितनी इनकम होती है यहाँ पर उतनी नहीं होती। और यहाँ पर जॉब्स की भी कमी है बिकॉज लैंग्वेज का बैरियर रहता सबसे बड़ा, तो लैंग्वेज का बैरियर। यहाँ पर मैं परसों इधर गया पानी की बॉटल लेने के वास्ते, और वहाँ पर जाने के बाद वो लोग बिल्कुल पानी पूछा था, वो लोग स्पार्कलिंग वाटर निकाल के दे डाले, मतलब वाटर, उनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती इधर किसी को भी। और लेकिन बाकी उतना इम्प्रेस नहीं हूँ मैं ये चीज़ से। दुबई वॉज अ मच बेटर एक्सपीरियंस, इटली का तो ओके एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर क्या है, जो अपार्टमेंट्स भी है बहुत छोटे छोटे है भाई, थके हुए अपार्टमेंट्स है, पुराने अपार्टमेंट्स है, रोड सड़कें सही नहीं है, गाड़ियाँ सही नहीं है, बहुत पुराने गाड़ियाँ चला रहे, लोगों के पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन मेरे इंप्रेशंस, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया से आया, ऑस्ट्रेलिया का बहुत हाई स्टैंडर्ड है भाई। यूरोप की कोई कंट्री, आई थिंक यूरोप की कोई सिटी से आप ऑस्ट्रेलिया को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ टॉप प्लेस मेरे पर्सनल ओपिनियन में। अभी आप ऑफेंड हो जाएंगे कोई यूरोप में जो रह रहे हैं, लेकिन ऑफेंड होने की बात नहीं है भाई, आप एक बार आओ वेस्टर्न कंट्री में। तो यही आपको बताना था, ये थे मेरे टोटल एक्सपीरियंस अब तक का इटली में। जो जर्मनी वगैरह है उधर थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट है, इटली इज डेफिनेटली लेफ्ट बिहाइंड लिटिल बिट, और पैसों की कमी है भाई बस। तो अच्छा, तो मैं आपको एक रूम टूर दे देता हूँ। सबसे पहले इधर इंटर होती ही ये छोटा सा रूम है, ठीक है, छोटा सा रूम है, बीच में लैंप लगा हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं भाई इधर। माइक्रोवेव है, फ्रिज है, इधर कैंडल दिए हुए हैं, एक छोटा सा टीवी दिया हुआ है, और इधर जो है आपका वो है टॉयलेट, ऊपर फ्लश की टंकी ऊपर दी हुई है, इधर प्रोन कैंकर, इधर टॉयलेट आ गया। ये बिडे बोलते कहते भाई, बिडे बोले तो ये यूरोपियन स्टाइल बिडे रहता, यहाँ पर कैसा रहता बोले तो इधर इसमें बैठ के आपको धो लेने का रहता। वियर्ड सिस्टम है, मैंने पहले देखा नहीं कभी भी, लेकिन यूरोप में चलता करते ऐसा सिस्टम, तो यह इट इज़ वॉट इट इज़। अभी ये यहाँ पर टॉवल हमारे सूख रहे, ये आप देख सक रहे, ये सिंपल शावर सिस्टम है, इधर पानी गर्म आता, जैसा दुबई में क्या था, खटका था, तो खटका बंद खोल करने का था उधर, इधर खटका बंद खोल लेंगे। तो आपको बाहर से व्यू दिखा देता हूँ, इधर से ये आपका व्यू आ गया, ठीक है, ये व्यू है। आप एक टाइम लैप्स देख लो अभी, ठीक है, टाइम लैप्स देख लो, आपको दिखाता हूँ, उसके बाद यही है आपका रूम टूर। ओके गाइस, तो अभी हमारे पास आ गए जूस, नहीं जूस नहीं है, सॉरी क्या है, व्हाट इज दिस, इट्स अ पीच टी। ओके, तो आप देख सक रहे हैं यहाँ पर पैकेजिंग पूरा इधर इटालियन में रहता, तो लेट्स ट्राई दिस। हाउ मच वाज दिस, 2 यूरो, लिटिल बिट लेस देन 2 यूरोस। जो कल के दिन मैं 6 बॉटल लेके आया था, 2 यूरो में मिल गए मेरे को 6 बॉटल, तो कुछ प्राइसेस ठीक ठाक है, लेकिन बाकी पूरे महंगे भाई, सैलरी यहाँ पे बहुत कम है। तो जल्दी से ये खोल के कुछ सिप देके आपको ट्राई करेंगे। बाकी इधर पता नहीं है, ढक्कन पूरा निकल के निकलता नहीं, देखो कैसा आप कफ दिख रहा पूरा। इट इज समवॉट सिमिलर टू लिप्टन।